बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट मैथमेटिक्स फॉर ऑल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट नस्ट जीकी फास प्यास एटसेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर। इफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स बी 9 एंड 36 फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन देन देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन 9 और भाई 36 रिस्पेक्टिवली हैं, आपने ज्योमेट्रिक मीन बताना है कि इसमें से क्या होगा। जी भजन अरिथमेटिक मीन हमारे पास 9 है और ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन हमारे पास 36 है और हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या 36 है। भजन हमारे पास अरिथमेटिक का मीन अवेलेबल है, ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन हमारे पास 36 है। हमें पता है ए अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट या थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड बराबर होगा, तो जी स्केयर बराबर होगा एच की, ए की वैल्यू एच की वैल्यू लगाई स्केयर रूल लिया तो जी हमारे पास का 18। तो भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए कोमा जी कोमा एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भाई आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट या थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड करेंगे तो आंसर बराबर होगा, तो जी स्केयर बराबर होगा एच की, वैल्यू लगाएंगे तो जी बराबर होगा 18। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स बी 9 एंड 36 देन देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू, हमारा आंसर निकला 18। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, आपने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म आपने जाना, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, थर्ड टर्म हमारे पास क्या जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 है जी। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू, आपने बताने का भैया फर्स्ट 5 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। ए आर स्क्वायर हमारे पास 4 है गिवन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 जी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4 जी, तो भाई जना बनेगा ए 5 आर 10, भाई ए 5 आर की पावर का होगा 10। अब यहाँ से आर स्केयर क्या निकलेगा, भाई जन आर स्केयर निकलेगा हमारे पास निकलेगा 4 ओवर ए, भाई आर स्केयर निकलेगा 4 ओवर ए, तो भाई आर 10 किसके बराबर होगा जी प्लीज़, आर 10 किसके बराबर होगा जी प्लीज़ आ देखें, आर स्केयर की जहाँ पे यू कैन पुट 4 ओवर ए जी, तो यू पुट ए 4 ए 5 आर 10 जी, तो आर 10 को आपने जहाँ देखें आर स्केयर की पावर 5 लिख दीजिए, भाई आर स्केयर की पावर 5 तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या जी 4 ओवर ए की पावर 5 जी, ये ए तो ए 5 आंसर आएगा, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। भाई योर फाइनल आंसर भी ए की पावर 5 4 की पावर 5 योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास गिवन क्या ए 4 हमारे पास है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या जी थर्ड टर्म हमारे पास है 4 गिवन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4 जी, वी गेट ए 5 आर 10 जी, तो वी गेट ए 5 आर की पावर 4 ओवर ए की पावर 5, तो भाई जन ये काटेंगे तो 4 5 क्योंकि आर स्क्वायर किसके बराबर है 4 ओवर ए, तो आर 10 क्या होगा जी आर स्क्वायर की पावर 5 आर स्क्वायर की आप लिखेंगे 4 ओवर ए, तो वी गेट आर 10 बराबर होगा 4 ओवर ए की पावर 5 जी, तो कैंसिलेशन के बाद वी गेट 4 की पावर 5, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आप निकालें तो हमारे पास निकलेगा भाई जी 4 की ताकत 5, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 4 की पावर 5 निकलेगा, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 सो ऑन सो दैट देयर सम इज 513 जी। भाई द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, आपने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी कितनी है, अगर इनका जो है ना ये सीरीज हमारे पास है 54 51 48 और इनका सम भाई किसके बराबर है 513 एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। द नंबर ऑफ टर्म्स, भाई नंबर ऑफ टर्म्स आपने बताना है
नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, आपने बताना है कब ये जिनका सम किसके बराबर है जी, 513, तो आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास है 54, 51, 48, आप सुन का सम किसके बराबर है, 513। और ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एस एन इज इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे 513, एन बाई टू टू ए, ए हमारे पास 54 और डिफरेंस हमारे पास माइनस तीन है भाई, एस एन हमारे पास है 513, ए हमारे पास क्या 54, डिफरेंस हमारे पास माइनस तीन है जी। तो भाई इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 342 इज इक्वल टू जीरो, भाई वी गेट एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 342 इक्वल टू जीरो, तो एन की दो वैल्यूज निकलेगा 18 और 19, एन की दो वैल्यूज निकलेगा 18 और 19 भाई, जन एन की दो वैल्यूज निकलेंगे 18 और 19, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, भाई सीरीज की जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, सो दैट द सम इज 513, उसका सम 513 है, तो हमारा आंसर निकला 18 और 19, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर ए आंसर इज करेक्ट। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 54, 51, 48, सो दैट द सम इज 513, हमारा आंसर निकला 18 और 19, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। दिस सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक होज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 विल बी, आपने बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट। द सम ऑफ 40 टर्म्स का सम निकालें एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। बजन एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए, एन हमारे पास 40 है जी, ए हमारे पास 2 है, डिफरेंस हमारे पास कितना है जी, 4 का जी भाई, एन हमारे पास 40 है, ए हमारे पास 2 है और डिफरेंस हमारे पास 4 है, एस 40 इज इक्वल 40 डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बजन आपने इसको हल किया तो 3200 हमारा आंसर आ गया जी भाई, सम ऑफ 40 टर्म्स हमारे पास क्या निकलेगा जी, 3200, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भाईजन, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भाई। हमारे पास एस एन हमारे पास है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, हमारे पास नंबर टर्म 40, ए हमारे पास 2 है, डिफरेंस हमारे पास 40, सम ऑफ 40 टर्म हमारे पास आ गया 3200, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिस सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 विल बी, हमारा आंसर निकला 3200, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ई माइनस सी इज इक्वल टू, आपने बताना ई माइनस सी इज इक्वल टू, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, ए बी सी डी ई एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ई माइनस सी इज इक्वल टू, आपने बताना कब है, विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, ए बी सी डी ई एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ई माइनस सी इज इक्वल टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी, बिकॉज ए बी सी डी ई एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, या फोर माइनस थर्ड, या फिफ्थ माइनस फोर्थ, ये बराबर होंगे जी भाई, बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी, बराबर होगा डी माइनस सी, बराबर होगा ई माइनस डी, आपने ई माइनस सी माइनस बी और ई माइनस डी को ले लिया भाई, ई माइनस डी बराबर होगा सी माइनस बी जी, तो E माइनस सी, सी को इधर लें और D को इधर लें, तो E माइनस सी बराबर होगा D माइनस बी भाई, E माइनस सी बराबर होगा D माइनस बी, तो योर D ऑप्शन विल बी करेक्ट जी भाई, योर D ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ A B C D E F आर इन अरिथमेटिक देन E माइनस सी इज इक्वल टू, E माइनस सी आपने जो हल किया वो D माइनस बी के बराबर आ गया, E माइनस सी अभी आपने हल किया तो भैया D माइनस बी के बराबर आ गया, योर D ऑप्शन इज करेक्ट, योर D ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतिया वगैरह देने के बाद एहसान जतलाने की ममानत का बयान, अतिया वगैरह देने के बाद एहसान जतलाने की ममानत का बयान। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदके ज़ाया मत करो। सूरह बकरा में है, ऐ ईमान वालों, एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदका ज़ाया मत करो जी। इसी तरह सूरह बकरा में है,
और अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खर्चे के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ है और ना ही ना वो उदास होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमियों से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना कलाम करेगा ना रहमत की नज़र से इन्हें देखेगा। तीन आदमियों से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना कलाम करेगा और ना रहमत की नज़र से इन्हें देखेगा, ना पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। रावी बयान करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा तीन मरतबा इरशाद फरमाए। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया वो मुराद हुए और खाने में और घाटे में रहे, अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया वो ना मुराद हुए और घाटे में रहे, अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला और अपना सामान झूठी कसम के जरिए बेचने वाला। मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है। और मुस्लिम की एक और रवायत में है अपनी अजार को नीचे लटकाने वाला, यानी अपनी शलवार पजामे और कपड़े को तकबर की वजह से टखनों से नीचे लटकाने वाला। जी इसकी तशरीह यूं है, इससे वाज़ह है कि शलवार पजामा पतलून और तयबंद वगैरह टखनों से नीचे लटकाना हराम है। यह हुक्म मर्दों के लिए है, यह हुक्म मर्दों के लिए है, औरतों के लिए इसके बरक्स टखने बल्कि पैर तक भी डांपने ज़रूरी हैं। मिसल मशहूर है नेकी कर दरिया में डाल, यानी किसी पर एहसान करके फिर इसे हरगिज़ ना जताना चाहिए, क्योंकि इससे ना वो सिर्फ नेकी बर्बाद हो जाती है बल्कि इंसान अजाब शदीद का भी मुस्तक ठहराता है। इसलिए किसी पर एहसान करने से ज़्यादा मुश्किल इस नेकी की हिफाजत करना है। झूठी कसम खाना मुतलकन हराम है, लेकिन सौदा बेचने के लिए गाहक को धोखा देने की नीयत से झूठी कसम खाना तो और ज़्यादा बड़ा जुर्म है। इसमें वो जुर्म दो जुर्म इकट्ठे हो जाते हैं, झूठी कसम और धोखा दही। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी कुफ्फार मजलिस की दुआ सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।